खतना लोग करते हैं तो दावत कोई कोई लोग करते हैं, तो क्या उस दावत में खाना, वो दावत खाना सही है या करना सही है, क्या है? कैसी दावत शेख? खतने की दावत शेख, अच्छा, खतना जब खतने की करते हैं दावत। तो दावत। जी देखिए, खतने की जो दावत है ये मशरू नहीं है, ये कोई सुन्नत नहीं है। अलबत्ता खतना एक खुशी की मुनासिबत है, एक नेमत मिल रही है, एक अच्छा काम आप कर रहे हैं, तो खुशी की मुनासिबत पर दावत करना ये लोगों की आदात में शामिल है। तो उस दावत को अगर कोई इबादत समझ करके, सुन्नत समझ करके कर रहा है तो ये सही नहीं है। लेकिन अपनी खुशी का इजहार करने के लिए अगर कोई दावत कर रहा है लोगों की, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, उसमें खाना भी जायज है। तो ये एक तरह की आदत है लोगों की, इसका ताल्लुक उर्फ से है। जिस तरह से उर्फ में लोग खुशी की मुनासिबत से या कोई नेमत मिलने पर खुशी का इजहार करने के लिए दावत करते हैं, उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये इसको सुन्नत समझ करके या दीन समझ करके ये दावत नहीं करेंगे। जैसे अकीका है, कुर्बानी है, ये सुन्नत है, ये दीन का हिस्सा है। तो ये जो दावत होती है ये दीन का हिस्सा है, ये आदात में शामिल नहीं है, इबादात में है। लेकिन खतने की मुनासिबत से दावत करना ये आदात में शामिल है, उसको इबादत समझ के नहीं करना चाहिए। खुशी का इजहार करने के लिए कोई कर सकता है और उसमें आप शरीक भी हो सकते हैं। लेकिन लेकिन शेख ये बात है कि कुछ जो लोग अक्सर ऐसा करते हैं उनको ये उनमें देखने में ये बात आती है कि अकीका तो करते नहीं है, खाली जो है खतने की दावत करते हैं, अकीका तो अवॉइड कर देते हैं। देखिए, अकीके का खतने की दावत से कोई ताल्लुक नहीं है। अकीका एक अलग हुक्म है शरीयत का, खतना एक अलग हुक्म है। अकीके में बाकायदा आपको जबीहा देना पड़ता है। खतने जी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जबीहा देना है या दावत करनी है। खतना एक अमल है, उसको करना है। अब अगर उस मुनासिबत से आप खुशी का इजहार करने के लिए लोगों को खाना भी खिला रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो अकीके का खतने से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी का अगर अकीका नहीं हुआ है, जाहिर है उसको भी खतना करना है। अगर वो भी खुशी का इजहार करने के लिए दावत करना चाहता है तो उसकी दावत आप खा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बच्चे का अभी तक तो अकीका किया नहीं है, जब उसका खतना करना हुआ तो जबीहा जबा किया और उस जबीहे को अकीके के तौर पर जबा किया और लोगों की दावत कर दी। हालांकि तरीका सही ये है कि उसका जो टाइम है अकीके का, उस टाइम पे करना चाहिए। अगर वो टाइम उसने मिस कर दिया है तो टाइम की जो सुन्नत है वो 7वां दिन है। तो टाइम की सुन्नत अगर इस्तेतात रखते हुए किसी ने मिस कर दिया तो वो सुन्नत मिस हो गई। अलबत्ता अकीका बाद में भी किया जा सकता है, ये जायज है, लेकिन वो जो उसका मसनून वक्त है उससे छूट गया।